ये कहानी 1999 की है, जब मैं 9 साल का था। मेरी फैमिली और मैं नए सिटी में शिफ्ट हुए थे। नई सिटी इसलिए क्योंकि मेरे डैड का जॉब चेंज हो गया था। हम मुंबई से आसाम में शिफ्ट हो गए थे। हमारा जो नया घर था उसका लोकेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। हमारे घर के पीछे एक छोटी सी नदी थी, उस नदी के पीछे जंगल था और घर के सामने खेलने के लिए लॉन था। इट वॉज जस्ट अ परफेक्ट हाउस। मेरे काफी सारे दोस्त भी बन गए थे जो मेरे घर के सामने ही आके खेलते थे। उनमें से एक मेरा बेस्ट फ्रेंड बना, उसका नाम अविनाश था। वो मुझे हमेशा ही कहा करता था कि हमारे घर के पीछे जो नदी है उसके पीछे जो जंगल है वो जंगल हॉन्टेड है। मेरे पेरेंट्स भी जोक किया करते थे कि हमारे पीछे जो जंगल है वो जंगल में एक ओल्ड मैन रहता है और अगर बच्चे लेट घर के बाहर रहे तो वो उन्हें किडनैप कर लेता है। मेरे पेरेंट्स की ये बात सुनकर मैं कभी 6 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। सच बताऊँ तो ये मेरे पेरेंट्स की बातों को मैं मानता था और मैं इस चीज से डरता था। नए घर में शिफ्ट होके 1 साल बीत गया। अभी तक यहाँ पे कोई भी अनयूजुअल चीज नहीं हुई थी। मुझे पता चल गया था ये सारी बातें मेरे मॉम डैड ने मेकअप की है ताकि मैं टाइम पे घर पे आया करूँ। लेकिन 1 साल बाद हमारे लोकेलिटी के बारे में कुछ ऐसी चीज सुनने में आई। अविनाश ने मुझे बताया 2 दिन पहले एक बूढ़ा इंसान नदी के पास गया था। वो एक टूरिस्ट था, वो नदी में स्विमिंग करने के लिए उतरा था। अचानक से नदी अनस्टेबल हो गई और वो डूब के मर गया। रूमर ये थी कि वो स्विमिंग करते हुए उस एबंडेंट जंगल के पास जा रहा था और तभी अचानक से बारिश आ गई और नदी अनस्टेबल हो गई और वो डूब के मर गया। शहर के 2 लोगों ने उसे डूबते हुए देखा। उन्होंने तुरंत पुलिस को बताया, लेकिन टू एवरीवन सरप्राइज उसकी बॉडी नहीं मिली। अगले दिन मेरा बेस्ट फ्रेंड अविनाश, जब मैं डैडी को गैरेज में मदद कर रहा था तब वो मेरे घर पे आया। ही कॉल्ड मी आउट और उसने मुझे कहा कि लेट्स गो टू द रिवर, हम चेक करते हैं क्या हमें कुछ हॉन्टेड वहाँ पे मिलता है। जो चीज 2 दिन पहले हुई थी उस चीज को लेकर मैं अभी भी डरा हुआ था। मैंने अविनाश की ये बात मना कर दी। हम मेरे घर के बाहर ही खेलने लगे। लेकिन कुछ समय बाद मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी और मैंने अपने दोस्त से कहा कि हमें नदी के पास जाना चाहिए। अविनाश आगे चल रहा था और मैं उसको फॉलो कर रहा था। नदी के पास आके वो बीच में ही रुक गया। वो एबंडेंट फॉरेस्ट के ट्री लाइन की तरफ देख रहा था। उसने सरप्राइज एक्सप्रेशंस के साथ मुझे पूछा, क्या तुमने वो चीज देखी? मैं कंफ्यूज हुआ। मैंने उसे पूछा, कौन सी चीज? उसने मुझसे कहा, क्या तुमने वो चीज बिल्कुल भी नहीं देखी? आई टोल्ड हिम टू स्टॉप प्लेइंग अराउंड बिकॉज इट वॉज नॉट फनी एनीमोर, इट वॉज गेटिंग क्रीपी। और ऑल ऑफ अ सडन हम दोनों ने भी पानी की स्प्लैश करने की आवाज सुनी। वो बहुत ही ज्यादा लाउड आवाज थी। हम दोनों भी डर गए और भागते हुए सीधे मेरे घर के आंगन में आके पहुंचे। मेरे डैडी गैरेज में काम कर रहे थे। वो बाहर आए और हमें पूछा, व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या उस हॉन्टेड जंगल के बूढ़े आदमी ने तुम्हें वार्निंग दी? ऐसा कहते हुए वो हंसने लगे। हंसते हुए मेरी पीठ थपथपाते हुए मेरे डैड ने मुझसे कहा, हमें नदी के पास केयरफुल रहना चाहिए एंड नो सच थिंग्स हैज द पैरानॉर्मल एग्जिस्ट। इस बात को हमने श्रग ऑफ किया और हम खेलने लगे। तभी अविनाश ने मुझसे कहा कि उसने एग्जैक्टली वहाँ पे क्या देखा। उसने मुझसे कहा उसने एक व्हाइट फिगर को देखा जो कि ट्री लाइन से झाड़ियों के बीच में से ही बाहर पिक कर रहा था। उसकी ये बात खत्म होने के बाद उसने मुझसे कहा वो काफी एग्जॉस्टेड है और ऐसा भी लग रहा है कि आज बहुत जोरों की बारिश होगी और इसीलिए वो घर जा रहा है। अविनाश वहाँ से निकल गया। मैं अपने डैड के गैराज में उनको हेल्प करने के लिए वापस आ गया। जैसे ही मेरा गैराज का काम हो गया जोरों की बारिश शुरू हो गई। थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग वॉज इन फुल स्विंग। मेरे डैड नहीं चाहते थे कि मैं ज्यादा देर तक जगा रहूं, इसलिए उन्होंने मुझे घर के अंदर जाने के लिए कहा एज इट वॉज ऑलरेडी 10 PM। मैंने अपने डैड को गुड नाइट कहा और बारिश में भागते हुए मैंने अपने घर और गैरेज का डिस्टेंस कवर किया और घर के अंदर पहुंच गया। लेकिन जैसे मेरे डैड ने मुझे ऑर्डर्स दिए थे कि मैं घर जाके सो जाऊं, मैंने वो नहीं किया। मैं अपने फ़ोन पे पबजी खेलते बैठा अंटिल आई फेल स्लीप। अचानक बीच रात में ही मेरी नींद खुली। जब मैंने टाइम चेक किया इट वॉज 3 AM इन द मॉर्निंग। मुझे प्यास लगी थी, मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ चलने लगा। जैसे ही मैं चल रहा था मेरी नज़र मेरे रूम के विंडो के बाहर गई। मैंने देखा गैरेज की लाइट जल रही है। मुझे लगा शायद डैड अभी भी गैरेज के अंदर है। बारिश अभी रुक चुकी थी सो आई डिसाइडेड टू चेक गैरेज। घर के बाहर काफ़ी ठंडी थी। मैं उस ठंड में कपकपाते हुए गैरेज के पास पहुंचा। मैंने देखा गैरेज का शटर खुला है। जब मैं गैरेज के अंदर गया मैंने देखा मेरे डैड गैरेज के बेड के ऊपर पड़े हैं। वो वहाँ पे ठंड में सो रहे थे। मुझे लगा शायद उनकी गलती से यहाँ पे आग लग गई हो, क्योंकि वो कभी भी गैरेज के बेड पे नहीं सोते। हमारा गैरेज काफी बड़ा था, वहाँ पे एक वेस्ट बेड भी था और मेरे डैड उसी बेड पे सो रहे थे।
मैंने सोचा इंस्टेड ऑफ वेकिंग हिम अप लेट हिम स्लीप ओवर हियर। हमारे गैरेज में एक ब्लैंकेट भी था, जस्ट इन केस कोई उस गैरेज के अंदर सोए तो वो यूज में आए। मैंने वही ब्लैंकेट बेड के नीचे से निकाला और अपने डैड के ऊपर डाल दिया। मैंने गैरेज का शटर बंद किया ताकि उन्हें ठंड ना लगे। मैं फाइनली अपने घर के किचन में आ गया और मैंने पानी पिया। पानी पीने के बाद मैं अपने रूम में आया। बेड की तरफ चलते हुए मैंने अपने विंडो से बाहर देखा। मैंने देखा गैरेज का शटर खुला है। मैं ये देख के बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ। मैंने अभी अभी तो गैरेज का शटर बंद किया था। नो वे इट कैन बी ओपन ड्यू टू ब्लोइंग विंड। मैं वापस से गैरेज के पास गया। जब मैंने गैरेज के अंदर देखा, मैंने देखा मेरे डैड वहाँ पे नहीं है। कंफ्यूज होते हुए मैंने अपने डैड को कॉल आउट किया, बट मुझे गैरेज के अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। और तभी गैरेज की लाइट फ्लिकर होने लगी, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। मैं डर गया। मैं वहाँ से अपने घर की तरफ भागने लगा। भागते हुए मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आ रही थी जो मेरे दोस्त ने कही थी, हॉन्टेड फॉरेस्ट की वाइट फिगर की। मैं चिल्लाते हुए मेरे पेरेंट्स के रूम के अंदर पहुंचा। मैं शॉक हुआ मेरे डैड को वहाँ पे देख के। उन दोनों ने भी मुझे काम डाउन किया। जैसे ही मैं बात करने के लिए स्टेबल हुआ, मैंने अपने डैड से पूछा कि वो घर के अंदर कब आए। उन्होंने कंफ्यूज होते हुए मुझसे कहा, जब तुम वहाँ से 10 बजे निकले, उसके बाद कुछ 5 मिनट बाद मैं भी निकल गया। ये सुनने के बाद मैं रोने लगा। मैंने रोते हुए मेरे डैड को सब कुछ बता दिया जो मेरे साथ हुआ। मेरे डैड को लगा कोई तो गैरेज के अंदर घुस गया है। उन्होंने बेसबॉल बैट उठाई और वो गैरेज की तरफ चलने लगे। मैं अपने पेरेंट्स के रूम के खिड़की से गैरेज की तरफ देख रहा था। मेरे डैड जोरों से गैरेज का शटर ठोक रहे थे। तभी मेरी मॉम मेरे बाजू में थी। उन्होंने मुझसे कहा, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा था। ये सवाल सुनने के बाद मुझे काफी गुस्सा आया। मैंने इन माय डिफेंस चिल्लाते हुए कहा, गैरेज का शटर सच्ची में खुला था, मैं वहाँ पे जाके भी आया। ये कहते हुए मैं गुस्से से उस रूम से बाहर निकला मेरे डैडी की तरफ गैरेज के पास। मैंने अपने डैड से शटर खोलने के लिए कहा, एंड ही डिड एग्जैक्टली द सेम। जैसे ही शटर खोला, मैं अपनी मॉम की तरफ रोते हुए चिल्लाने लग गया। मैं चिल्लाते हुए मॉम को कहने लग गया, सी आई वॉज नॉट लाइंग। मेरी मॉम ने फियरफुल आवाज में मेरे डैड से पूछा, अंदर क्या है। मेरे डैड एक कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ उस ब्लैंकेट को लेके बाहर निकले। उन्होंने मुझसे पूछा, ये ब्लैंकेट बेड के ऊपर कैसे आई, क्योंकि जब वो वहाँ से निकले थे तो ब्लैंकेट वहाँ पे नहीं थी। एंड देन मैंने फिर से एक्सप्लेन किया जो मेरे साथ हुआ। अब मेरे मॉम डैड भी डर चुके थे। उनको ये बात सिंक इन हुई थी कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये काफी खतरनाक है। मेरे मॉम ने मेरे डैड से पूछा, हाउ इज इट पॉसिबल कि जो ब्लैंकेट उस बेड के नीचे बहुत सालों से पड़ी है, वो ब्लैंकेट बेड पे आ जाए। इस सब का मतलब ये है कि विशाल सच बोल रहा है। वो सच्ची में गैरेज के अंदर आया था। उसने सच्ची में गैरेज में किसी को देखा और उसके ऊपर ब्लैंकेट रख दी। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि गैरेज का शटर तो आपने बंद किया था। ऐसा तो नहीं, क्या ये जगह सच्ची में हॉन्टेड है। मेरे डैड ने रिप्लाई किया, आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट नो। हम 2 दिन बाद वो घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हुए। और यही थी मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी कहानी, जो मुझे आज भी याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।